नमस्कार। हमारी आज की कहानी नालायक। ये इमोशनल स्टोरी हमारी अंतरात्मा को जगा देगी और एहसास कराएगी कि एक बेटे की क्या अहमियत होती है। बेटा, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ज़्यादा चोट तो नहीं आई, पर तेरी माँ की हालत गंभीर है। कुछ पैसों की ज़रूरत है और तेरी माँ को खून चढ़ाना है। 62 साल के माधव जी ने अपने बड़े बेटे को फ़ोन पर कहा, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ आजकल, मेरा आना नहीं हो सकेगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना, इसलिए हाथ भी दंग चल रहा है। पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूँगा, उनके बड़े बेटे इंजीनियर बेटे ने जवाब दिया। उन्होंने दूसरे बेटे डॉक्टर को फ़ोन किया तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपने ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूँगा। ये अलग बात है कि उसने कभी पैसे भिजवाए ही नहीं। उन्होंने बहुत मासूमियत से फ़ोन रख दिया और अब उस नालायक को फ़ोन करके क्या फ़ायदा। जब ये दो लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे तो वो नालायक क्या कर लेगा। उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुँचे और कुर्सी पर ढेर हो गए और सोचने लग गए। पुरानी बातें याद आने लगे। माधव राय जी स्कूल में शिक्षक थे, उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा इंजीनियर और मंजला डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी और सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर पर ही रहने लगा, क्योंकि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था और कहता था मुझे नौकरी नहीं करनी, अपने माता पिता की सेवा करनी है। पर डॉक्टर, पर मास्टर साहब तो उसे बहुत नाराज़ रहते थे। उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया। दोनों बड़े भाई पिताजी के आज्ञाकारी थे, पर वह गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठता था, इसलिए माधव जी उसे पसंद नहीं करते थे, जो नालायक बेटा था। जब माधव जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी पर खर्च हो गई। शहर में एक घर, थोड़ी जमीन और गांव में थोड़ी सी जमीन थी, उसी से उनका घर खर्च चल रहा था। उनके पेंशन भी आ रही थी। माधव जी को लगा कि छोटा बेटा सुधरने वाला तो है नहीं। उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की जमीन उसे देकर गांव में भेज दिया और वो छोटा नालायक बेटा गांव में रहने लगा। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपने माता पिता के पास रहकर उनकी सेवा करना चाहता था, लेकिन पिताजी की जिद के आगे झुक गया और गांव की झोंपड़ी में रहने लगा। माधव जी सबसे अपने दोनों ओनहार और लायक बेटों की बहुत बड़ाई किया करते थे, क्योंकि वो उनको बहुत कामयाब मानते थे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता कि मेरा एक बेटा इंजीनियर और दूसरा बेटा डॉक्टर है। पर उस नालायक का नाम भी लेना पसंद नहीं करते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था, मास्टर जी और उनकी पत्नी का। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उन्हें पत्नी के ऑपरेशन को कहा था। पापा पापा सुनकर तंद्रा टूटी तो देखा सामने वही नालायक खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया, पर उसने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोले, पापा आपने मुझे नालायक को क्यों नहीं बताया, मुझे फ़ोन आपने क्यों नहीं किया। पर मैंने भी आप लोगों पर जासूस छोड़ रखे हैं, खबर मिलते ही भागा आया हूँ। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया।
माँ का ऑपरेशन कराया और अपना खून दिया। दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता कि एक दिन वह गायब हो गया। वह उसके बारे में फिर बुरा सोचने लगा। उसका पिताजी सोचने लगा कि ये हमेशा ही ऐसा करता है। तीसरे दिन वह वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम भली चंगी हो गई। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया और उनकी सेवा करने लगा। माधव जी ने पूछने पर बता दिया कि खैराती अस्पताल था, पैसे नहीं लगे, घर में नौकरानी ही थी। वह उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन यूं ही उसके मन में आया कि उस नालायक की खबर तो ली जाए कि वो कैसे रह रहा है। दोनों जब गांव के खेत पर पहुंचे तो झोपड़ी में ताला देखकर चौंके। उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा, ये खेत अब मेरे हैं। क्या? पर ये खेत तो? उन्होंने बहुत ही आश्चर्य हुआ। हाँ, उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया है। बस ये झोंपड़ी उसके पास रह गई है, यह ही रही है उसकी चाबी। ये लीजिए उसकी चाबी, उस आदमी ने कहा। वह झोंपड़ी में दाखिल हुए तो बरबस उस नालायक की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 9 लाख का बिल उनको मुंह चिढ़ाने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जानकी, तुम्हारा नालायक बेटा तो झूठा भी है। अचानक उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे और वह जोर से चिल्लाए, तू कहाँ चला गया नालायक, और रोने लगे। अपने पापा को छोड़कर कहाँ चला गया नालायक, एक बार फिर वापस आ जा, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी के आंसू भी बहे जा रहे थे और माधव जी को इंतज़ार था अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। सचमुच बहुत नालायक था वो। ये कहानी पढ़ते वक्त अगर आंखें नम हुई तो समझो हमारे अंदर भी एक नालायक है, बेटा हो तो ऐसा। तो देखा दोस्तों, एक नालायक बेटा ऐसे लायक बन गया। तो हमेशा माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ना ही हमेशा पैसे की होड़ में आगे भागते रहना चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।